हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं राहुल और स्वागत है आपका मेरे चैनल रियल एडवाइजर पे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं बिहार की एक विशेष जॉब के बारे में, बिहार की एक विशेष नौकरी के बारे में, जिसे हम लोग बेल्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। बेल्ट्रॉन में जॉब कैसे पाएँ, बेल्ट्रॉन में नौकरी कैसे पाएँ, आज इसके बारे में मैं आपको एडवाइस करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आगे बढ़ने के पहले आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि मैं आपको एक से एक एडवाइस करता रहूँ जॉब से, नॉलेज से, लॉ से और कॉलेज कैंपस से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ बेल्ट्रॉन क्या है। तो बेल्ट्रॉन बिहार सरकार के द्वारा एक अनुबंधित जॉब प्रणाली है, जो कि अपने यहाँ वो क्या करता है कि रिकमेंड करता है, फुलफिल करता है अनुबंध पे। अपने जितने भी इनके विभाग हैं, अपने अलग अलग विभागों में, वो विभाग क्या क्या हो सकते हैं, वो विभाग आपका जितना भी मंत्रिमंडल के यहाँ डाटा एंट्री का काम होता है, जितना भी आपको नगर परिषद हो गया, इसके साथ साथ आपको DM ऑफिस हो गया, SP ऑफिस हो गया, ब्लॉक स्तर पर हो गया और स्वास्थ्य स्तर पर हो गया, इन सारे जगहों पर और इससे भी अधिक, जो कि शायद मैं पूरा बोल नहीं सकता हूँ, इससे भी अधिक जगहों पे वो अपना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एक स्टाफ को बहाल करता है, जिसकी स्टार्टिंग सैलरी अभी जो जिसकी स्टार्टिंग सैलरी है 20,000 से स्टार्टिंग है और ये आगे जा करके 40,000 to 50,000 हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेल्ट्रॉन का जो अनुबंध अब हो चुका है वो 60 ईयर हो चुका है, 60 सालों का हो चुका है, और इसमें यदि एक बार ज्वाइनिंग हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार पे आप 60 ईयर पे तक आप इसमें एकदम फिक्स जॉब पे आ जाते हैं, जब तक कि आपके द्वारा या किसी तरह का पंगा ना हो, कोई लोरचा ना हो। तो मैं आपको बता दूं कि बेल्ट्रॉन जो जॉब है उस जॉब में एंट्री का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसकी जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है, इसके रजिस्ट्रेशन का साइट है, वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, इसके साइट्स मिल जाएंगे, आप वहां पे जा करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिलहाल जिस डेट में मैं अभी वीडियो बना रहा हूं, आपको एडवाइस कर रहा हूं, तो अभी इसका रजिस्ट्रेशन बंद है। तो आगे मैं चलता हूं कि जब इसका रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाता है तो आपको इसमें अपने स्तर के हिसाब से जो इसका रिक्वायरमेंट है, बेल्ट्रॉन का जो रिक्वायरमेंट है, लोग ज़्यादातर बेल्ट्रॉन में क्या करते हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का ही जानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बेल्ट्रॉन के तहत सिर्फ डाटा एंट्री ऑपरेटर का ही फुलफिल सीट नहीं होता, इसके अंडर में अकाउंट्स का, GM का, इंजीनियर का, बहुत सारे पोस्ट का बहाली होती है, जिसमें आपको, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ही बात कर रहा हूँ, वेबसाइट डेवलपर का ही बात कर रहा हूँ, बहुत सारे वैकेंसी इसमें आते हैं। लेकिन क्या है कि बिहार में अभी भी बहुत सारे लोग इसे बेल्ट्रॉन को सिर्फ एक डाटा एंट्री ऑपरेटर के नाम से ही जानते हैं और सिर्फ वो डाटा एंट्री ऑपरेटर को लेकर के ही चलते हैं। तो चलिए, ये तो डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी का मैं बता दिया। मैंने ये भी आपको बता दिया कि इसके लिए लिंक में आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चेक कर सकते हैं और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक आपको मिल जाएगा, जिसके मार्फत आप क्या कर सकते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बिना किसी व्यक्ति के हेल्प से। दूसरा चीज, जब इसकी वैकेंसी आएगी, चाहे वो डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, GM की हो, साइट डेवलपर की हो, अकाउंट्स की हो, या ETC कुछ भी हो, तो उसकी जानकारी आपको इसके साइट से मिल जाएगी या मैं आपको बता दूंगा अपने वीडियो के माध्यम से। तो मैं आपको बताता हूं कि इसमें ज्वाइन करने का तरीके क्या है। तो बेल्ट्रॉन में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर को ज्वाइन करने के 3 तरीके होते हैं, इसका 3 तरह का एग्जाम होता है और 3 चीज़ों में आपको नॉलेज होनी चाहिए। आज इसके बारे में भी आपको मैं बताने जा रहा हूँ। पहला है, इसमें आपको टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड आपको टाइपिंग मशीन पे नहीं बल्कि कंप्यूटर के कीबोर्ड पे होनी चाहिए, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का ज्ञान होना चाहिए, जिसकी स्पीड 30 से 40 की होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, आज तो मैं ये बता रहा हूँ, कल मैं आपको बताऊंगा कि टाइपिंग पे कैसे कमांड करें। दूसरा होनी चाहिए आपको बेसिक कंप्यूटर का, चूंकि एक जो व्यक्ति डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है उसे एक कंप्यूटर की विशेष जानकारी होना चाहिए, एक बेसिक जानकारी होना चाहिए। उसमें क्या क्या जानकारी होना चाहिए, सबसे पहले जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और इससे संबंधित
कुछ आपका जो भी पेज मेकर भी चलेगा, पेज मेकर यदि रिक्वायरमेंट हो तो वो भी आवश्यक है। इसके साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट को स्कैन करना, मतलब कंप्यूटर के साथ साथ प्रिंटर की भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को टाइप करते हैं, डाटा डालते हैं, तो उसको प्रिंट भी करना होता है, तो आपको एक प्रिंटर की भी जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट को स्कैन करने की भी जानकारी होनी चाहिए, और बेसिक इंटरनेट की। इंटरनेट में क्या होता है कि आपको मेल रिसीव करना, मेल सेंड करना, इन सारे चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ तीसरा जो अहम चीज़ है, वो तीसरा अहम चीज़ होती है, जो भी व्यक्ति डाटा एंट्री ऑपरेटर का तैयारी कर रहे हैं बेल्ट्रॉन में जाने के लिए, उनको 10th लेवल का जनरल साइंस, जीके और कुछ मैथमेटिक्स की आवश्यकता होनी चाहिए, जिसके हिसाब से उनका चयन होता है। जब आपका इसमें ज्वाइनिंग होगा तो ये तीन चीज़ों की एग्जाम होती है। मैंने बता दी पहला चीज़ क्या है, टाइपिंग, दूसरा चीज़ है बेसिक कंप्यूटर, तीसरा चीज़ है उनका 10th लेवल तक का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें कुछ मैथमेटिक्स से आते हैं, कुछ आपका जनरल साइंस से आते हैं, कुछ आपका जनरल नॉलेज से आते हैं, और कुछ करंट अफेयर्स से आते हैं, रिलेटेड टू स्टेट, रिलेटेड टू गवर्नमेंट। तो इसके बाद क्या होता है कि जब आप तीनों एग्जाम में चयन हो जाते हैं, तो आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पर आपको भेजा जाता है। और सबसे पहले इसका रिक्वायरमेंट की जानकारी कैसे होगी, तो इसके रिक्वायरमेंट के मैंने दो तरीके बता दिए, या तो इसके साइट पर आप जा सकते हैं, या दूसरा मैं आपको बता दूंगा वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों ये थे बेल्ट्रॉन में ज्वाइनिंग का प्रोसेस, जो कि मैंने आपको बताया कैसे ज्वाइनिंग होते हैं, क्या एग्जाम का प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। तो इसके साथ ही यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके पास इसी तरह सा जॉब से रिलेटेड, नॉलेज से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड और कॉलेज करियर काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद।